इंडिया में नमकीन खाने के लोग काफी शौकीन हैं, और नमकीनों की बात करी जाए तो बीकानेर शहर का भुजिया काफी फेमस है, स्पेशली बीकाजी कंपनी का, जिसके ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन है। आज हम उनकी फैक्ट्री जा रहे हैं और देख रहे हैं ऑटोमेटिक प्लांट में कैसे बनाते हैं ये भुजिया। सबसे वो पल्वराइज होके राइट बेसन बन के यहाँ पर आता है। हाँ जी, यहाँ गिरता है बेसन बन के, यहाँ गिरता है, इसी में सेट अमाउंट में पानी और तेल अच्छा, करके अच्छा। यहाँ पर वो दो इकट्ठा होता है। ओके, यहाँ से ये इकट्ठा होने के बाद इसमें जाएगा। ये क्या है? आटा गूंदने वाली मशीन होती है ना, ये वो मशीन है। इसको आटा बोल सकते हैं इसको? इसमें ऑटोमेटिक तेल और ऑटोमेटिक पानी आता है। अच्छा, इस लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाता है। अच्छा, और ये फ्रायर में डलता है। तो हम देख रहे हैं जैसी मशीन से डायरेक्टली कैसे नीचे आ रहा है, पूरा जो मिक्सर है वो प्लांट के अंदर जा रहा है। दिस इज एन एक्सट्रूडर। अच्छा, यहाँ से वो भुजिया की शेप में अच्छा लच्छे निकलते हैं। अच्छा, जो तेल में फ्राई होते हैं। ओके, और तेल यहाँ सेट टेम्परेचर में, ये पूरे टनल में सेट है। ओके, और ये पूरा फ्राई होके जा रहा है, ये यहाँ से फ्राई होना शुरू होता है। ओके, भुजिया ये लच्छों के शेप में यहाँ पर आता है, ये अभी गर्म भुजिया है। हाँ, कूलिंग टनल में। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी की भुजिया जो है यहाँ पे नजर आ रही है, ऑटोमेटिक मशीन से बन के आए जा रही है। ये अभी बिल्कुल गर्मा गर्म है, तो जैसे ही किसी ने, नो वन हैव टच दिस भुजिया, सब कुछ मशीन से ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑल ऑटोमेटेड प्रोसेस कूलिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा होके, एयर कूल होके भुजिया यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे देखो भुजिया की लग रहा है बरसात हो रही हो जैसी, ऐसे बनती है इंडिया की बेस्ट बीकानेरी भुजिया। छोटे टुकड़ों में होने के बाद यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू स्टोरेज के लिए जा रहा है। छोटे टुकड़े होने के ऊपर जा रहा है कन्वेयर बेल्ट, ये जो साइलोज है उन साइलोज में स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद ये पैकिंग के लिए आके जाता है। तो यहाँ पे ही ऊपर लिफ्ट के ऊपर जा रही है, और उस साइड साइलोज में ये स्टोर होगी, जहाँ से ये आगे मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर पैकेजिंग के लिए जाएगी। तो इधर देख लो आगे जो ये है, यहाँ से आगे पैकेजिंग के लिए जा रही है। तो ये क्या चाहिए कि कौन से, ये बीकानेर भुजिया की शान बढ़ाने के लिए डंकोली है। तो देखो जब भी आप बीकानेर भुजिया खाते हो ना, एक बड़ा सा पीस निकलता है, मुझे नहीं पता तो क्या बोलते हैं, ये बोले डंकोली है, यही शान है बीकानेर भुजिया की। तो ये देखिए गाइस, ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू ये पर्टिकुलर वेट के चल रही है। ये देखो गाइस, ऐसे ये तैयार है फाइनली हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो गाइस इस साइड क्या हो रहा है कि जैसे मान लो 1 किलो के पर्टिकुलर पैकेट है, अगर थोड़ा सा भी ये माल कम होता है, जैसे मान लो माल जा रहा है और अब ये रिजेक्ट होएगा, बिकॉज जस्ट टू शो कि अगर माल कम है, ये स्टिकर नहीं लिया, देखो ये रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो ये स्कैन नहीं हुआ और ये रिजेक्ट हो गया, मतलब इससे माल कम है। ये आगे जाके बीकानेरी भुजिया, द पर्टिकुलर नेम दैट हैज बीन गिवन टू दिस प्रोडक्ट कैन ओनली बी गिवन टू एनी प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन बीकानेर ओनली। तो बीकानेर से बाहर बनने वाली भुजिया को बीकानेरी भुजिया का नाम नहीं दिया जाता, उसको भुजिया बोले। उसका मेन कारण यही है, ये इंग्रेडिएंट, ये आबो हवा, ये जो प्रोसेस है इनका मूंग दाल का है, ये कह रहे हैं पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ऑटोमेटेड है, बस एक जगह यहाँ पे जो है उसको भोया जाता है एक रात पहले, फिर उसको फ्राई करने के लिए भेजते हैं, और बस एक ही बंदा लगता है पूरे प्रोसेस के अंदर उसको भिगोने के लिए, फिर प्लांट अपने आप उसको ले लेता है। तो साइलो से ऊपर से देखो ये दाल, भिगी हुई दाल आती है, ये फ्रायर में जाती है। तो ये देखो वहाँ से वो देखो वो दाल फ्राई होके आ रही है, मसूर दाल है, इसमें सारी दालें फ्राई होती हैं। अभी यहाँ पे मसूर दाल चल रही है, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट आगे जाती है, यहाँ पर मसाला जो प्रीमिक्स होता है वो इसमें डल रहा है, और ये मिक्सचर है जिसमें दाल जो घूमती है गोल गोल, तो ये फ्लेवरिंग मिक्स होकर यहाँ पे दाल आ रही है, इसको ये अपने स्टोर करेगा।